इंडियन प्रीमियर लीग में 17वें सीजन का लीग स्टेज खत्म हो चुका है। 70 मैचों में ही 10 टीमें 2000 से ज्यादा चौके और 1200 से ज्यादा छक्के लगा चुकी है। इस बार 14 शतक भी लगे हैं, जो 17 साल में सबसे ज्यादा है। बाउंड्री के साथ 2024 के आईपीएल में पावर प्ले स्कोर, औसत स्कोर और विकेट गिरने का रेट भी काफी बदलाव देखने को मिला है। 6 फैक्टर में आखिर जानते हैं कि 2008 के मुकाबले 2024 तक आखिर आईपीएल कितना आगे बढ़ चुका है। सबसे पहले फैक्टर 1, पावर प्ले यानी कि एवरेज स्कोर 20% तक बढ़ा है। 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ तब 59 मैचों में पावर प्ले का औसत स्कोर 46 रन था, यानी शुरुआती 6 ओवरों में टीमें 46 रन बना रही थी। 2023 तक 16 साल मिलाकर भी औसत पावर प्ले स्कोर 46 तक ही रहा है, लेकिन इस सीजन बल्लेबाजों का बोलबाला दिखा और शुरुआती 6 ओवर्स में ही औसत 55 रन बनने लग गए। दूसरा पॉइंट, पावर प्ले में T20 का बेस्ट स्कोर भी बना है। 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद की पावर प्ले बैटिंग सबसे विस्फोटक नजर आई। टीम ने 6 ओवर में 2 बार 100 रन का स्कोर पार कर दिया, जो आईपीएल सीजन में पहली बार हुआ। SRH ने लखनऊ और दिल्ली के खिलाफ ये कारनामा किया। दिल्ली के खिलाफ तो टीम ने 125 रन बना डाले, जो T20 इतिहास का सबसे बड़ा पावर प्ले भी रहा है। इससे पहले 2014 में CSK और 2017 में KKR ही पावर प्ले में सेंचुरी लगा सकी है। फैक्टर नंबर 3, औसत स्कोर। पहली पारी का औसत स्कोर 200 के करीब पहुंचा है। 2008 में पहली पारी का औसत स्कोर 161 था। 2009 में तो स्कोर गिरकर 150 पहुंच गया और 2024 में औसत स्कोर बढ़कर 191 रन तक पहुंचा। 2023 तक 16 साल में पहली पारी में औसत 164 रन ही बने थे। 2024 में औसत स्कोर 27 रन ज्यादा हो गया है। शुरुआती 2 सीजन पहली पारी का औसत स्कोर 156 था, वहीं पिछले 2 साल में ये बढ़कर 187 तक पहुंच गया। फैक्टर नंबर 4 की बात करें तो हर 5वें मैच में लग रही है सेंचुरी। पहले लगते थे 14 मैच, वहीं 2008 में टूर्नामेंट के 59 मैचों में 6 शतक लगे, यानी औसतन हर 10 मैच में एक सेंचुरी लग रही है। 2009 में यह आंकड़ा गिरकर औसत 30 मैचों तक पहुंचा, लेकिन 2024 में हर 5वें मैच में एक शतक लग रहा है। 2023 तक 16 साल का औसत निकालें तो एक सेंचुरी के लिए 14 मैच लग रहे थे, यह अब 3 गुना घटकर 5 ही रह गए हैं, यानी हर 5वें मैच में अब एक शतक लगा जाता है। वहीं 17वें सीजन में लग चुके हैं सबसे ज्यादा 14 शतक। आईपीएल 2024 में लीड स्टेज तक 14 सेंचुरी लग चुकी है, जो एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 2023 में 12 शतक लगे थे, यानी पिछले 2 साल में 26 शतक लग गए हैं। इसके मुकाबले 2008 में 6 और 2009 में तो महज 2 ही सेंचुरी लगी थी। 2 साल के मुकाबले पिछले 2 साल में 225% ज्यादा शतक लग चुके हैं। आगे बढ़े तो मैच में औसतन 30 चौके लगने लगे हैं। 2008 के सीजन में हर मैच में औसतन 29 चौके लगते थे, 2024 में ये संख्या बढ़कर 30 हो गई, यानी कि एक मैच की औसत संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। हालांकि 17 साल में पहली बार ही मैच में लगे औसत चौकों की संख्या 30 को छू पाई है। 2024 के लीग स्टेज में 2071 चौके लग चुके हैं। आईपीएल में लगातार तीसरे सीजन 2000 से ज्यादा चौके लगे हैं। इससे पहले 2013 में एकमात्र बार ऐसा हुआ था जब 2000 से ज्यादा चौके लगे थे। 2008 के शुरुआती सीजन के मुकाबले ये संख्या काफी बढ़ चुकी है। 2008 में 1702 और 2009 में 1316 चौके लगे थे। वहीं आगे बढ़े आपको बता दें कि एक मैच में 55% ज्यादा छक्के लग रहे हैं। चौके लगने की संख्या में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन छक्के लगने की स्पीड जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। 2008 में एक मैच में औसतन 11 छक्के लगते थे, 2009 में ये संख्या गिरकर 9 रह गई, लेकिन 2024 के सीजन में हर मैच में औसतन 17 छक्के लग रहे हैं, जो 2008 के मुकाबले 55% ज्यादा है। 2008 से 2023 तक 16 साल को मिलाकर औसत अगर देखिए तो हर मैच में 12 छक्के लग रहे थे। इस मुकाबले भी इस सीजन 42% ज्यादा छक्के लग चुके हैं। लगातार तीसरे सीजन 1000 से ज्यादा छक्के अब तक लग चुके हैं। लीग स्टेज खत्म होने तक सीजन में 1208 छक्के लग चुके हैं, जो एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 2022 और 2023 में भी 1000 से ज्यादा छक्के लगे थे। एक और फैक्टर की बात करते हैं, विकेट गिरने के रेट में बदलाव नहीं हुआ है। 2008 से 2024 तक 17 साल में आईपीएल के स्कोरिंग रेट में तो बहुत तेजी से बदलाव हुआ, लेकिन गेंदबाजों का हाल अभी भी पहले जैसा बना है। पहले सीजन में एक मैच की 2 पारी मिलाकर औसत 12 विकेट गिरते थे, अब भी एक मैच में औसतन 12 विकेट ही गिर रहे हैं, यानी कि गेंदबाजों का लेवल 17 साल बाद भी जस का तस ही बना हुआ है। यानी कि गेंदबाजों को तो ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन बल्लेबाजों और स्कोरिंग रेट में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।